सो हे गाइस, क्रेजी गेमर इज बैक अनदर एक्साइटिंग वीडियो। और गाइस, आज के इस वाले गेम प्ले भी हम लोग फिर से खेल रहे हैं भाई, चीटी वाला मोड। और गाइस, इस गेम प्ले में तुम्हारे भाई ने चीटी वन के जो लोंडो को पेला है ना भाई, मतलब आप लोग को मजा ही आ जाएगा गाइस। और इस मोड का मैंने न्यू रिकॉर्ड बना लिया है, तो बस देखते जाओ। और भाई, यहाँ पे मेरे को उतरते ही 3 किल मिल जाते। और भाई, इस लोंडे ने यहाँ पे 3-4 लोंडो की पेटी बनाई थी। मतलब तुमने किल मैसेज तो देखा ही होगा भैया, थॉमसन से कितने लोंडो को ये पेल रहा था। और भाई, यहाँ पे मेरे को सिर्फ और सिर्फ 3 ही किल मिलते हैं, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं रहते। नीचे की तरफ एक बोर्ड दादा आते हैं, उनकी पेटी बना के मैं सीधा चिंटी बनता हूँ। और बस देखो फिर। रुजो के ऊपर वाले पे आओ, मैं जा रहा हूँ। बंदे 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 देखो, ये वाले लैब से निकलने के बाद हम लोग सीधा आ जाते हैं रोजो के ऊपर वाले लैब पे। और यहाँ पे हम लोग जैसे ही आते, तो यहाँ पे हम लोग को 2 बंदे स्पॉट होते और एक बोट स्पॉट होता है। उसके बाद जो सीन होंगे ना, बस वो देखना तुम। Watch out! चलो बाहर जाके इसके इसको बाहर जाके इसको मारेंगे। देखो, जब तक आप लोग इस रूप में हो ना, तो आप लोग इसी रूप वाले एनिमी को मार सकते हो सिर्फ और सिर्फ। अगर नीचे वाले एनिमी को आप लोग को मारना है, तो भैया आप लोग को बहुत ज्यादा टाइम लगेगा मारने में, और जब तक वो एनिमी आप लोग की पेटी बना देगा। इसलिए मैं इस जोन के बाहर आता हूँ और फिर से अपना रूप धारण करता हूँ, और फिर इसके बाद इनकी पेटी बनाएंगे। और भाई, फाइनली इसी के साथ इन दोनों बंदों की मैं पेटी बना देता हूँ। लेकिन इस टीम का जो एक बंदा और बचा था, वो भैया सामने की तरफ रहता है। और बस देखो, चलो चलो चलो। पीछे 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 भाग, इधर ही है सामने। और भाई, फाइनली इस लास्ट बंदे के साथ में इस वाली स्क्वाड की मैं पेटी अकेले बना देता हूँ। और गाइस, आप लोग को लग रहा हो कि भाई मैंने कैसे चीटी वाले रूप से ये वाले रूप में आया, तो उसके लिए आप लोग को करना कुछ नहीं है। जब आप लोग चीटी बनोगे ना, तो आप लोग के सामने एक रेड रेड निशान आ जाएगा, मतलब जोन बन जाएगा। तो आप लोग को करना क्या है, उस जोन के बाहर 30 सेकेंड या 1 मिनट तक रहना है, अपने आप ही आप लोग ये वाले रूप में आ जाओगे, है ना। देखो, ये वाले लैब से निकलने के बाद मैं वापस से वही वाले लैब पे आ जाता हूँ जहाँ पे मैं उतरा था। और यहाँ पे मैं जैसे ही आता हूँ, तो पहले मेरे को कोई बंदा स्पॉट नहीं होता। तभी मेरे को पीछे की तरफ से भाई एक चीटी का आवाज आता, तो मैं चेक करने के लिए जाता हूँ वहां की तरफ। और बस देखो, अरे टूल्स में नहीं, इधर मेरे पास भी बंदा है। कहाँ चले गए?
तुम कहाँ पर हो? रूम्स वाले पे। और भाई इस बंदे को मैंने इतना ज्यादा डैमेज दिया था ना भाई चीटी के रूप में आके, और भाई ये बंदा समझ गया कि मेरी पेटी बनने वाली है, इसलिए ये बंदा अपने रूप में वापस से आ गया। लेकिन इनको क्या पता था भैया इस वाले रूप में तो और जल्दी पेटी बनेगी। और ये सुनो क्या बोलता है, मेरे बंदे तो है भाई, मार दे दूंगा। फ्रीमॉक्स में है भाई, मारा क्यों भाई आपने, मारा क्यों भाई, अगर बचाना ही तो मारा क्यों भाई आपने। और भाई इस बंदे के लिए मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लगा यार, ये बंदा मतलब बोल रहा था भाई क्यों मारा मेरे बंदे प्रेमोस्क में है, वो बचाने भी नहीं आएंगे, ये सुन के यार मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। लेकिन कुछ देर के बाद ये बंदा बोलता है कि भाई तुम मुझे मार दो क्योंकि मेरे बंदे मेरे को बचाने आएंगे ही नहीं, क्योंकि भाई वो बहुत ज़्यादा डरफोक हैं। इसलिए मैं इसकी पेटी बना के सीधा जाता हूँ वो सामने वाले लैब में, और वहाँ से मैं दूसरी जगह टेलीपोर्ट होता हूँ। जोन के बाहर चले जाओ। तो और एक बंदा है। अबे चौके इसो। गाइस आप लोगों ने पीछे की तरफ कुछ देखा जूम करके, मैंने आप लोग को बताया था भाई ये गाड़ी आसमान से उड़ के आती है और भाई नीचे गिर जाती है, भाई क्या ही सीन हो रहा है यार गेम में। तो चलो भाई ये लास्ट बंदा बचा था इस लेव का, और इसी के साथ ये वाली लेव भी हम लोग यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। तो मैं फटाफट टेलीपोर्ट होता हूँ भैया दूसरी लेव पे, और वहाँ पे जाने के बाद अब जो सीन होंगे ना बिल्कुल गलत होने वाले हैं, तो बस देखते जाओ। और भाई फाइनली इस टीम के मैंने दो बंदों को नॉक कर दिया, और भाई ये बंदा बहुत सही खेल रहा था, तुमने मेरी एचपी देखी भाई क्या ही छोड़ी इस बंदे ने। लेकिन इस टीम का लास्ट बंदा बचा है जो कि भैया हम लोग के ऊपर रश कर रहा है, तो फटाफट उसको भी पकड़ते हैं। और भाई फाइनली इस लास्ट बंदे के साथ में ये वाली लैब भी हम लोग यहाँ पे क्लियर कर देते ऐसा हम लोग को लग रहा था। लेकिन भाई ये वाली लैब से जैसे ही मैं गाड़ी लेके आगे की तरफ जाने लगूंगा तभी मेरे को सामने वाले घर से एक बंदे के साउंड आएंगे, और वो बंदा भाई मैं क्या ही बताऊँ यार, सबसे पहले उसके पास रश करते हैं, फिर बाद में देखना आप लोग क्या ही होने वाला है। इस वाले
अब देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा रहता है ऐसा हम लोग को लग रहा था, लेकिन भाई ये बंदा यहाँ पे नॉक होता और ये बंदा भाई मेरे को गाली बकेगा, और उसके बाद ये बंदा अपने टीममेट को भी बुलाएगा, फिर साथ में इसकी पेटी बनाएंगे। ब्रो कैसे हो, हालचाल कैसा है? वो आ ही गए। आ गया आ गया आ गया, मारो। भाई देखो फिनिश मैंने इसलिए किया क्योंकि तुम्हारा प्लान हम समझ गए थे, अगर तुम्हारे टीममेट हमें मारते नहीं था तो तुम्हारे टीममेट हमारे पास आते, है ना, वो टीपी पे नहीं लेते पत्थर के पास रुक के। तो चलो भाई इसी के साथ इन बंदों की भी मैंने काफ़ी इजी तरीके से पेटी बना दी भैया, फ्लैंक करके इनको पता भी नहीं चला किसने कब पेटी बना दी मेरी, तो इनको फटाफट लूटते और फिर निकलते हैं यहाँ से। अब देखो इन बंदों की पेटी बनाने के बाद हम लोग जाते हैं सीधा पोचिंकी में, और पोचिंकी में हम लोग को कोई भी नहीं मिलता, लेकिन सामने की तरफ हम लोग को एक फ्लेयर ड्रॉप दिख जाती है, लेकिन इतने में भैया सामने की तरफ से M249 भी चलती है, तो फटाफट रश करते हैं। और भाई इन बंदों के बारे में क्या ही कहूँ, बेचारों की फ्री फोकट की पेटी बन गई, मैं तो आया था भैया मस्त फ्लेयर लूटने के लिए, लेकिन ये बंदे लेटे लूटे हुए दिख गए इसलिए इनकी पेटी बना दी। अब देखो इन बंदों की पेटी बनाने के बाद हम लोग सीधा आते हैं स्क्वाड हाउस में, क्योंकि भैया जब हम लोग स्क्वाड हाउस में पहले आए थे तो हम लोग को यहाँ पर गाड़ी खड़ी हुई नहीं दिखी थी, इस बार गाड़ी है इसका मतलब यहाँ बंदे तो हैं। और भाई ऐसा होता भी है सामने की तरफ से डीपी चलती है, लेकिन मुझे यह नहीं पता है कि भाई कौन से घर से डीपी चलती है, लेकिन कुछ ही देर बाद लाल वाले घर में मेरे को एक बंदा स्पॉट हो जाएगा, उसके बाद स्मोक करके सीधा रश करेंगे इनके ऊपर। और भैया जी को देख रहे हो क्या ही खतरनाक वाला टीपी पे ले रहे थे, वो तो अच्छा हुआ कि मेरे को इनके साउंड आ गए, वरना ये बंदा हमारी पेटी बना देता। अब देखो एक बंदे को तो मैंने नॉक कर दिया, बाकी के बंदे सामने वाली बिल्डिंग में, लेकिन भैया वो बंदे हमारे ऊपर नेट फेंकते, तो मैं नीचे कूदता हूँ। और ये बंदा नेड फेंक के अपने टीममेट को रिवाइव देने के लिए आया था, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया, हम लोगों ने काफ़ी इजी तरीके से इनकी पेटी बना दी, और अब बच चुके हैं कुल मिला के 3 बंदे, जिनमें से एक बंदा मेरे टीममेट को यहाँ स्पॉट हो जाता है और मैं इसके सामने से गाड़ी लेके जाता हूँ, मेरे को लगता है ये बंदा उठेगा, लेकिन भैया ये बंदा तो बिल्कुल उठा ही नहीं, भैया लेटा का लेटा ही रह गया, और बाकी के बंदे सामने वाली लैब में रहते हैं, तो फटाफट रश करते हैं। तो चलो यार गाइस आज की वीडियो में इतने, तो गाइस वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और हो सके तो मेरी न्यू वीडियो देख लेना GTA 5 की, लिंक मैंने आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में यार, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।